नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मेथड नंबर टू इन चैप्टर वन, एक्सप्रेस व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल फॉर्म। देखो, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आए उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो और वो किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है वो बताओ। सिंपल है, चलो 10 / 3, डिवीजन तो आप लोगों का आता ही है, तो डिवीजन ही करना है। 3 × 3 = 9, 1 बचा, एक एक्स्ट्रा जीरो रखा तो पॉइंट आ गया, वो जीरो नीचे लिया, 3 × 3 = 9, 1, वंस अगेन जीरो, वो नीचे आएगा, 3 × 3 = 9, रिमाइंडर 1, वंस अगेन जीरो, नीचे आया, 3 × 3 = 9, रिमाइंडर 1, ऐसे आगे आगे ये चलता ही जाएगा, ये भी आगे आगे चलता जाएगा। तो 10/3 का हमें आंसर क्या मिला, 3.333... इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 3.3 बार, वो मैंने सिखाया था। इस टाइप के नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स 10/3 = 0.3 बार इज नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग फॉर्म, ओके। चलो बच्चों, अब है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8, तो चलो मैं 7/8 करता हूं। पहले से ही हम डिवाइड नहीं कर पाते, इसलिए जीरो जीरो रखा, पॉइंट, 8 × 8 = 64, 6 बचा, 0, 8 × 7 = 56, 4 बचा, 0, 8 × 5 = 40, 0, 0। देखो बच्चों, यहां रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया तो हम आगे अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए 7/8 का आंसर आया 0.875, ओके। ये आगे डैश 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 तक नहीं होता, इसीलिए दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, मीन्स इस टाइप के आंसर को बोलेंगे, मीन्स इस टाइप के डेसिमल फॉर्म को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ओके। चलो बच्चों, फाइंड डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/7, तो चलो हम 1/7 करते हैं। पहले से हम डिवाइड नहीं कर पाते, इसीलिए 0, 0 रखा यहां, पॉइंट, 7 × 1 = 7, 3 बचा, 0, यानी ये 0 रख के नीचे उतारा, 7 × 4 = 28, रिमाइंडर 2, 0 रख के नीचे, 7 × 2 = 40, 6 बचा, 0 रख के नीचे, 7 × 8 = 56, 4 बचा, 0 रख के नीचे, 7 × 5 = 35, 5 रखा, 5 बचा, 0 रख के नीचे, 7 × 7 = 49, 1 बचा। देखो 1 आ गया, अब सेम ही यही रिपीट होगा, 0 रखा, 7 × 1 = 1, 7 × 3 = 0, 7 × 4 = 1, 4 × 1 = 28, 2 बचा, 0, 7 × 2 = 14, 6 बचा, ये भी आगे आगे जाएगा, यहां आगे जाएंगे तो 1 × 4 = 2, 8 × 5 = 7, ऐसे ही आगे आगे डैश डैश डैश, ओके। तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं कि 1/7 = 0.142857, ये पूरे 6 डिजिट रिपीट होते हैं, यानी ऑल 6 डिजिट पर हम बार करेंगे। ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म, मीन्स दिस इज अ नॉन
टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म। ओके चलो बच्चों, ये मिक्स फॉर्म में है तो कोई बात नहीं, मिक्स फॉर्म को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एट का फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा और आंसर का वन के साथ एडिशन होगा, मालूम है ना। तो एट फोर जा 32, 32 प्लस वन 33 अपॉन 8। तो चलो 33 डिवाइड बाय 8 करते हैं, 8 फोर जा 32, रिमाइंडर 1, 0 रखा नीचे उतारा इसलिए पॉइंट, 8 वन जा 8, 2 बचा 0, 8 टू जा 16, 4 बचा 0, 8 फाइव जा 40, 0 0 रिमाइंडर 0 आ गया इसीलिए 4 होल 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 4.125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल